आइए आज आपको बताते हैं एक ऐसे खतरनाक शिकारी के बारे में जो अपने शिकार को पीछा करके नहीं घात लगाकर मारता है। सबसे खास बात यह है कि इस जानवर के बारे में कुछ ज़्यादा बातें सबको पता नहीं होती है, इसीलिए तो इसे देखने और जानने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। आपने कभी कोमोडो ड्रैगन का नाम सुना है? गेम ऑफ थ्रोन्स में जो ड्रैगन देखा है वो नहीं, कोमोडो ड्रैगन। ये खतरनाक सा दिखने वाला मगरमच्छ जैसा जीव जो इस दुनिया में पाए जाने वाले छिपकली की प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। इसे देखकर ही समझ में आता है कि यह बेहद खतरनाक और शिकारी जीव है। तो आइए इस खास शिकारी के बारे में कुछ अमेजिंग बातें जानते हैं। इस विशाल छिपकली के शरीर का आकार, ताकत और जहर इसे एक खतरनाक शिकारी बनाता है। जी हाँ बिल्कुल, ये मगरमच्छ के जैसे ही दिखता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह पानी में नहीं रहता। कोमोडो ड्रैगन का साइज हम इंसानों से भी बड़ा होता है। एक वयस्क कोमोडो ड्रैगन का आकार 10 फीट तक लंबा हो सकता है और वजन 90 किलो के आसपास। इसकी चमड़ी मोटी और खुरदुरी होती है जो इसे शिकारियों से बचाती है और आमतौर पर यह 30 साल तक जीते हैं। कोमोडो ड्रैगन एक मांसाहारी जानवर है और यह हिरण, सुअर जैसे छोटे बड़े जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता है, और इसमें जहर भी मौजूद होता है जिससे शिकार इसके चंगुल में आकर कमजोर हो जाता है। मजबूत जबड़े और नुकीले दांत शिकार को ऐसा पकड़ते हैं कि फिर इससे बच पाना नामुमकिन हो जाता है। और इनके दांतों में पाया जाने वाला जहर, एक बार काटने के बाद ये शिकार का पीछा नहीं करता बल्कि जहर के असर होने का इंतजार करता है। कई कई बार तो ये भी देखा गया है कि कोमोडो ड्रैगन्स इंसानों को भी अपना शिकार बना लेते हैं, इसीलिए तो इनका डर आम इंसानों में भी बरकरार है। कोमोडो ड्रैगन बच्चे नहीं अंडे देते हैं। फीमेल एक बार में 15 से 30 अंडे दे सकती है और अपने अंडों को गड्ढों में छुपा कर रखती है। करीब 8 महीनों के बाद अंडों में से बच्चे निकलते हैं। इसके बच्चों को सबसे बड़ा खतरा होता है दूसरे कोमोडो ड्रैगन्स और शिकारियों से। इससे बचने के लिए छोटा कोमोडो पेड़ में ही रहता है। मुख्य रूप से कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं, कोमोडो, रिंका, फ्लोर्स, गिलिमोटांग और पादर द्वीप कोमोडो ड्रैगन्स के लिए ही फेमस हैं। सिर्फ इसे देखने के लिए विदेशों से लोग इंडोनेशिया भी जाते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में एक खास नेशनल पार्क बनाया गया है जहां पर इन्हें संरक्षित किया गया है। और आज के समय में भी 3000 के आसपास इनकी संख्या इंडोनेशिया में मौजूद है। ये गर्म क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए तो उष्णकटिबंधीय द्वीपों में ही इनका बसेरा है। आज के समय में भी इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, इसी कारण से दुनिया में गायब हो रही जीवों की श्रेणी में ये आ चुके हैं। लेकिन इंडोनेशिया में इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए संरक्षण का काफ़ी प्रयास हो रहा है। सो कुल मिलाकर ये खतरनाक शिकारी लड़ाई भी लड़ रहा है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इस खतरनाक ड्रैगन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस जानवर के बारे में जानना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।